Hello everyone, I am Mahipal Swami, PGT Physics from KV2B Karim. Students, in part first of orbital velocity of satellite, we have discussed many things regarding it, like its definition, its expression, and its relation with the escape velocity. And we were discussing some important point of satellite. And we have discussed 3 points. And now our fourth point is how to find time period of any satellite. तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारे स्पेशल पॉइंट का फोर्थ पॉइंट, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अब टाइम पीरियड कैसे फाइंड करें, तो आपको ध्यान होगा जैसे हमने यहाँ पर ये प्लेनेट कंसीडर किया था और इस प्लेनेट से आर डिस्टेंस पर कोई एक सैटेलाइट है, आर डिस्टेंस पर कोई एक ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट पर वो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, और वो जिस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रही है उस वेलोसिटी को हमने नाम दिया था ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो हमें पता है दैट इट इज़ द टाइम टेकन बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल टी तो इसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। यानी पूरा एक साइकिल, पूरा एक रिवॉल्यूशन में जितना भी टाइम लगा है उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। अब ये फाइंड कैसे करें, तो बहुत ही सिंपल है। टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए हम सिंपल सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवॉल्यूशन एंड डिवाइड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो ये सिंपल वही है, एक तरह से टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो ये जो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए, अब पूरा एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, तो हमें पता है पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब यहाँ पर 2πr से हुआ, सर्कमफ्रेंस से हुआ। सो टी इज इक्वल्स टू 2πr डिवाइड बाई वी। तो अब यहाँ पर वी कौन सा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है, वैल्यू पुट करते हैं। जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हम देखते हैं दैट और वी नॉट की वैल्यू क्या है, दिस इज जी एम अपॉन आर। तो इसको सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिलेगी यहाँ पर ये आर और यहाँ पर आर की पावर 1/2। जो इसको हम इस तरह से लिखते हैं दैट टी इज इक्वल्स टू 2π अंडर रूट जी एम और आर की पावर 3/2। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है दैट टी इज इक्वल टू दिस, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ कि टी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 4π स्क्वायर डिवाइड बाय जी एम और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, आर क्यूब मिलेगा। और ये देखो यहाँ पर जितनी भी वैल्यू है कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब एंड दिस इज़ दी कैपलर्स थर्ड लॉ। तो ये है हमारा टाइम पीरियड का वैल्यू किसी भी सेटेलाइट के। अब हम डिस्कस करते हैं, तो वापस हम हमारा प्लेनेट कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं ये प्लेनेट है जिसका मास कैपिटल एम है और आर डिस्टेंस पर एक ऑर्बिट है जहाँ पर एक सैटेलाइट है जिसका मास स्मॉल एम है और ये उसी ऑर्बिटल वेलोसिटी से इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है। सो हियर व्हेन अ सैटेलाइट ऑफ मास एम इज़ ऑर्बिटिंग विद लीनियर वेलोसिटी वी नॉट ऑन द ऑर्बिटल पाथ ऑफ रेडियस आर अराउंड दिस planet, then its angular momentum is given by, angular momentum can be represented by J or we can also represent by L. तो यहाँ पर ये जो L या जो J की value, मैं यहाँ पर इसको J से represent कर रहा हूँ, J की जो value होगी this is equals to m v not r, क्योंकि J का formula m v r होता है। यहाँ पर velocity कौन सी, हमने orbital velocity ली है, तो J कौन सा formula आएगा, J is equals to m v not r। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम आया है, हमें पता है ये सारी क्वांटिटीज़ किसी फिक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में फाइंड की जाती है, और यहाँ पर जो एक्सिस है, जिसके एक्सिस के, जिस एक्सिस के अबाउट ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, वो है ये हमारे अर्थ का सेंटर। तो यानी यहाँ पर जो हमने एंगुलर मोमेंटम फाइंड किया है, ये एंगुलर मोमेंटम क्या है, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ द अर्थ। तो अब बस वी नॉट की वैल्यू पुट करनी है हमें। सो जे इज इक्वल्स टू एम V naught is under root gm upon r और साथ में यहाँ पर multiply by r। जब हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये r, यहाँ पर r की पावर हाफ है, तो इसको सॉल्व करने पर हम वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं दैट j इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम और r।
और यहाँ पर हमें पता है, हम चाहें तो यहाँ पर आर की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, बिकॉज दिस आर इज़ दी आर प्लस एच. सो फाइनली आर जे इज़ एम जी एम आर प्लस एच. तो ये हमारे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आई है किसी भी सैटेलाइट के विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. अब हम डिस्कस करते हैं हमारे स्पेशल पॉइंट का सिक्स्थ पॉइंट. तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमें बस सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. हमें पता है वी इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, एंड हियर दिस वी इज इक्वल्स टू ऑर्बिटल वेलोसिटी, देन ओमेगा इज वी नॉट अपॉन आर. तो जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन आर, यानी वन अपॉन आर, एंड वी नॉट इज अंडर रूट जी एम अपॉन आर. जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ओमेगा की जो फाइनल वैल्यू आएगी, दैट इज़ अंडर रूट जी एम अपॉन आर क्यूब. तो ये ओमेगा की वैल्यू आएगी हमारे पास. तो इसी तरह से अब हम चलते हैं हमारे सेवन्थ पॉइंट की तरफ. अब यहाँ पर हम एनर्जी बात करें तो किसी भी सैटेलाइट के पास में दो तरह की एनर्जी हो सकती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन इज़ पोटेंशियल एनर्जी. तो इस तरह से हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ई रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज़ द सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी. इन दोनों का सम होगा, यानी किसी सैटेलाइट की जो एनर्जी होगी वो उसके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होगी. तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं. तो सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इज हाफ ऑफ एम वी नॉट स्क्वायर. तो अब हमें क्या करना है, वी नॉट की वैल्यू पुट करनी है. सो हाफ एम, और वी नॉट की वैल्यू क्या है, अंडर रूट जी एम अपॉन आर, और इसका स्क्वायर है यहाँ पर, वी नॉट का स्क्वायर है, तो यहाँ पर रूट हट जाएगा और जो फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी दैट इज जी एम एम अपॉन टू आर. तो ये किसकी वैल्यू आई है, दिस इज़ दी काइनेटिक एनर्जी. अब हम फाइंड करते हैं पोटेंशियल एनर्जी. तो किसी भी सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होगी, इट इज़ ड्यू टू इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. जो हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिनोट करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने फाइंड किया था और ये था माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन आर. तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है सैटेलाइट की. तो हमारे पास सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी भी हमने फाइंड कर ली. तो अब हम सैटेलाइट की टोटल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं. सो टोटल एनर्जी ई इज दी पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर, एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी इज जी एम एम अपॉन टू आर. और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सोल्व करने पे हमें पता चलता है कि किसी भी सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी आएगी दैट इज़ माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन टू आर. इसका मतलब ये हुआ जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया है वो नेगेटिव में आया है, और नेगेटिव भी क्या, माइनस जी एम एम अपॉन आर. अगर हम इसको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से कंपेयर करें, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम इसको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से कंपेयर करें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू दी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी की माइनस वैल्यू है एक तरह से. काइनेटिक एनर्जी क्या था, प्लस का जी एम एम अपॉन टू आर, और ये क्या है, माइनस जी एम एम अपॉन टू आर. या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो हमारी टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आएगा वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है. तो ये किसी भी रिवॉल्विंग सैटेलाइट का टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा, माइनस जी एम एम अपॉन टू आर. यहाँ पर जो आर है वो हमेशा की तरह आर इज इक्वल्स टू आर प्लस एच. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ. तो सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी होता क्या है. तो बाइंडिंग एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ. यानी कोई भी सैटेलाइट है अर्थ के अराउंड, मान लो रिवॉल्व कर रही है, यहाँ पर हम अर्थ एज्यूम कर रहे हैं, कोई भी सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो ये वो एनर्जी है कि जिस एनर्जी को गेन करने पर
जो सैटेलाइट है वो इनफाइनाइट पे चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, आई एम रिपीटिंग अगेन, दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट से अराउंड द अर्थ टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। अब यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आया था वो नेगेटिव में आया है। नेगेटिव, जब भी टोटल एनर्जी नेगेटिव में आती है इसका मतलब ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो बाउंड स्टेट में है, सिस्टम बंधा हुआ है। जैसे यहाँ पर ये किससे बंधा हुआ है, ये यहाँ से अर्थ और सैटेलाइट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है उससे ये बंधा हुआ है। तो अगर हम इसको इतनी ही एनर्जी पॉजिटिव में दे दें, अगर इसको इतनी ही एनर्जी हम और दे दें तो इससे क्या होगा, इसकी टोटल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। टोटल एनर्जी ज़ीरो होने का मीनिंग ये है कि ये जो सैटेलाइट है वो इनफाइनाइट में चली जाएगी, इसका मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चली जाएगी। सो दस द बाइंडिंग एनर्जी, तो यहाँ पर हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, माइनस ऑफ ई। इसका मतलब ये हुआ, आप इसको इस तरह से लिखते हो माइनस, और ई का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, माइनस जी एम एम अपॉन टू आर। तो यानी कुल मिला के आप इसको इस तरह से पुट कर सकते हो, जानबूझ के प्लस में लिख रहा हूँ ताकि हमें यहाँ पर पता लगे कि जो बाइंडिंग एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसा है वो प्लस में है। यानी अगर हम किसी भी सैटेलाइट को अगर आप इतनी एनर्जी दे दोगे तो वो सैटेलाइट अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़कर बाहर चली जाएगी। तो ये थी सारी वैल्यूज जिससे हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में बेसिक आइडिया लगता है। आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ है।